चाइना में फैले कोरोना वायरस का अम्बाला के कई उद्योगों पर असर देखने को मिल रहा है। चाइना से डिस्पैच बंद होने से त्योहारों में बिकने वाले चाइनीज खिलौने, साइंस उद्योग के कांच के सामान सहित अन्य आइटम भी प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते हवाई यात्रा की टिकट भी रद्द करने में भारी समस्या आ रही है, और जिससे कि खिलौने, केमिकल, स्वास्थ्य से जुड़े सामान, माइक्रोस्कोप, इन तमाम चीजों के दाम बढ़ने तय हैं। चाइना में कोरोना वायरस फैलने के बाद इसका असर विश्व स्तरीय उद्योगों पर पड़ रहा है। वहीं अम्बाला की साइंस, स्वास्थ्य, केमिकल, खिलौना व्यापार सहित चाइना और आसपास के देशों में हवाई यात्रा की टिकट बुकिंग भी इससे प्रभावित हुई है। कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो चाइना एयरलाइन है वो दूसरे न्यूजीलैंड वगैरह में बंद कर दी गई है। इसकी वजह से दूसरी एयरलाइन की टिकट्स बहुत कॉस्टली हो चुकी हैं और स्टूडेंट्स को जैसे बहुत दिक्कत आ रही है जाने में। चाइना एयरलाइन बिल्कुल टोटली ही बंद कर चुकी है। वहीं साइंस उद्योग पर इस वायरस का असर देखने को मिल रहा है। साइंस का सामान विदेशों में भेजने वाले उद्योगपतियों की माने तो चाइना में फैले कोरोना वायरस का असर भारत की साइंस इंडस्ट्रीज पर पड़ रहा है। गौतम बंसल की माने तो उनका चाइना से ग्लास ट्यूब का कच्चा माल आता है। चाइना में फैले कोरोना वायरस से उनकी सारी डिस्पैच बंद हो गई है। फोन करने पर भी वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा है, जिससे हमारे ट्रेड पर भारी असर पड़ रहा है और नुकसान हो रहा है। अगर इसे काबू नहीं पाया गया तो इससे उद्योग बंद होने की कगार पर आ सकते हैं, क्योंकि भारत में साइंस उद्योग में प्रयोग होने वाला 80% केमिकल चाइना से आता है। हमारा चाइना से ग्लास ट्यूब का कच्चा माल आता है। एक्चुअली वहाँ पे आजकल कोरोना वायरस बहुत फैला हुआ है, तो उसकी वजह से वहाँ से सारी डिस्पैच बंद हो गई है, जिससे हम वहाँ अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि कब डिस्पैच होएगा। उससे हमारे ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि बिल्कुल ट्रेड बंद ही हो जाए। जो हमारे ट्रेड में हैं लोग, कम से कम 5,000 ब्लोअर ये कच्चा माल यूज़ करते हैं चाइना का, उससे वो फिनिश्ड माल बनाते हैं, वो सब इफेक्ट होंगे। उसमें छोटी लेबर भी है, अच्छे वो व्यापारी भी हैं। वो सारा जो केमिकल्स है 80% इम्पोर्ट वहीं से होता है, चाइना से। और ज्यादा हमारी जो क्या कहते हैं हेल्थ इंडस्ट्री है, उस पर भी काफी इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे B12 केमिकल है, उसके प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं। इसके अलावा जो इंसुलिन बनाने के लिए पाउडर आता है, जो शुगर के लिए यूज होता है, वो भी सारा वहीं से इम्पोर्ट आता है। और जितनी भी मेडिसिन बनती है वो भी। इसके अलावा हमारा जो हमारी इंडस्ट्री बेसिकली दो चीजों की वजह से फेमस है, एक ऑप्टो मैकेनिकल कंपोनेंट्स की वजह से और एक ग्लासवेयर के साथ। ग्लास की ट्यूबिंग का नहीं बंद होगी तो उसके रेट बढ़ जाएंगे। और जो ऑप्टो मैकेनिकल जो ग्लास आता है, जिसके ऑप्टिक्स बनते हैं, माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आईपीसीस हैं, और भी हमारे स्पेक्ट्रोमीटर हैं, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप्स हैं, उनका ग्लासवेयर भी नहीं आ रहा। वही अम्बाला की खिलौना इंडस्ट्रीज पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। बाजार में माल ना आने से मंदी है। ज्यादातर आधुनिक खिलौने चाइना से सस्ते दामों पर आते हैं, जिससे आम लोगों तक वो पहुंच में रहते हैं। भारत में निर्मित खिलौनों के मुकाबले चाइना से आने वाले खिलौनों की कीमत कम भी होती है और वो आकर्षक भी होते हैं, जिससे ग्राहक हाथों हाथ उन्हें खरीद लेता है। अब वहाँ वायरस फैलने से खिलौने आने भी बंद हो गए हैं। आगे होली का त्योहार भी आ रहा है। चाइना की सस्ती पिचकारी ना आने से उद्योग पर असर पड़ेगा। चाइना का जो माल आ रहा है आजकल, ये कोरोना वायरस की वजह से ना जी हमारा थोड़ी सी दिक्कत आ रही है काम में, कि वायरस की वजह से एक तो माल नहीं आ रहा चाइना से कोई भी हमारा, और हम जो दिल्ली से हमारा माल आता है, कहीं से भी माल हमारा आ रहा है, वो माल अब नहीं मिल पा रहा। जैसे कि आप देखते हैं कि सब आइटम आजकल लोग, बच्चे सब नए नए टॉयज रोज मांगते हैं, नई नई चीज़ें मांगते हैं, और वो हम नहीं ला पा रहे हैं आजकल। और जो मिल रही हैं वो बहुत महंगे रेट में मिल रही हैं चाइना के वायरस की वजह से, क्योंकि चाइना से अब कोई भी हमारा माल नहीं आ रहा दिल्ली में, और हम दिल्ली से जो माल लेके आते हैं वो हम नहीं लेके आ पा रहे। बहरहाल चाइना में कोरोना वायरस के फैलने से वहां से यातायात के साथ साथ वहां से आने वाले सामानों के भी बंद होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले समय में खिलौने, केमिकल, स्वास्थ्य से जुड़े सामान, माइक्रोस्कोप के दामों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। कृष्ण बाली, टोटल न्यूज़, अम्बाला।